नमस्कार दोस्तों, डिजिटल इंडिया टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ELP CV2 की, जो आंसर की आ चुकी है, जो कि कल की डेट में यानी कि 18 फरवरी को जो आई थी, उसका जो ऑब्जेक्शन की डेट है आज से स्टार्ट हो चुकी है। ऑब्जेक्शन आज और कल की डेट में होना है, यानी कि 19 और 20, और ऑब्जेक्शन कल रात को 12 बजे बंद हो जाएगा, यानी कि आपके पास केवल 2 दिन का समय है ऑब्जेक्शंस करने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आपको ऑब्जेक्शन कैसे करना है, उसकी फीस पेमेंट कैसे करनी है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस इस वीडियो में सब कुछ बताया गया है। साथ ही दोस्तों, आपके लिए मैंने एक पार्ट बी में जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होना है या नहीं होना है, उसके लिए एक वीडियो बनाई है, जिसको मैं ऑफिशियली जानकारी प्राप्त करके आपके लिए एक वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट्स उस वीडियो को देखना चाहते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अदरवाइज ऊपर आई सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको रेलवे की किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, और वहाँ पर जो आपको लिंक होगा ओपन करने का, लॉगिन करने का, उस पर क्लिक करना है। तो उसके बाद आपके सामने एक ऐसी विंडो आएगी। विंडो ऐसी आने के बाद सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ ऑब्जेक्शन करने के लिए। सबसे पहले आपका पर कैंडिडेट्स यानी कि पर क्वेश्चंस के हिसाब से आपको 50 रुपीज़ का चार्ज देना होगा, और अगर यदि आपका क्वेश्चन सही पाया जाता है जो आपने ऑब्जेक्शन किया है, तो आपको 50 रिफंड हो जाएगा। अदरवाइज आपने जो ऑब्जेक्शन किया है अगर वो गलत पाया जाता है, तो आपका 50 रुपीज़ चार्ज चला जाएगा, वो रिफंड नहीं होगा। दूसरी बात को दोस्तों, इसमें क्वेश्चन आईडी और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आईडी है, इस बार इन्होंने क्वेश्चन आईडी के साथ साथ आपको करंट ऑप्शन आईडी भी डालनी है उसमें, ऑप्शंस में, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन आईडी के साथ साथ आपकी जो आंसर आईडी है उसकी भी ये भी डालना है, जो उसमें 4 ऑप्शन आईडी है, सारी आपको याद रखनी है। यानी कि आपको अगर किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन करना है, तो उसकी क्वेश्चन आईडी नोट कर लीजिए और उसकी जो आंसर आईडी है वो भी नोट कर लीजिए। तो चलिए, फिलहाल इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट था। तो अब आगे चलते हैं लॉगिन की तरफ, तो लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, तो आपके सामने इस तरह की विंडो आएगी, जहां पर एग्जाम इन्फॉर्मेशन, कैंडिडेट रिस्पॉन्स यानी कि आंसर की, और ऑब्जेक्शन, ये ऑब्जेक्शन, और यहां पर जो ऑल दिया है वहां पर होगा आपका क्या, मेक पेमेंट यानी कि पेमेंट करने के लिए जो ऑप्शंस दिया होगा। तो दोस्तों, कैंडिडेट रिस्पॉन्स पर जाकर अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं, और ऑब्जेक्शन पर जाकर अपने क्वेश्चंस का ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, ऑब्जेक्शन करने के लिए तो आपके सामने इस तरह की एक विंडो आएगी, तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पर दोस्तों अभी कुछ तरह इनका टेक्निकल इशू चल रहा है, जहाँ पर अभी डायरेक्टली ऑब्जेक्शन नहीं दिया है। यहाँ पर पहले लिखा आ रहा है क्लिक हेयर टू मेक पेमेंट। तो दोस्तों, अगर आपको ऑब्जेक्शन करना है, तो पहले आपको करना होगा क्लिक हेयर टू मेक पेमेंट पर क्लिक करना होगा। पेमेंट अभी आपको नहीं करनी है, केवल ये इनका कुछ टेक्निकल इशू है जिसके कारण ये पहले लिखा दिखा रहा है। जैसे ही जब आप इस पर क्लिक करते हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन होने में। तो दोस्तों, ये ओपन हो चुका है ऑब्जेक्शन फॉर्म। ऑब्जेक्शन फॉर्म जैसे ही ओपन होगा, यहां पर आप देख सकते हैं क्या लिखा, एग्जाम डेट, ठीक है, किस डेट में आपका जो एग्जाम हुआ था उस शिफ्ट, ये ऑटोमेटिकली आपका डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, मेन आपके लिए है क्वेश्चन आईडी, उसके बाद लिखा है टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन और एक्सप्लेनेशन, जो कि तीनों इंपॉर्टेंट है। तो आपको जिस भी क्वेश्चंस में आपको ऑब्जेक्शन करना है, तो उसकी आपको यहाँ पर क्या डालनी पड़ेगी, उसकी आईडी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी आईडी यहाँ पर शो हो रही है हर क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चंस आईडी। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, मैं पहली वाली इसकी क्वेश्चंस आईडी सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ये वाली। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन आईडी जो है पहली सिलेक्ट कर ली है, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। और आपको क्वेश्चन आईडी कैसे डिटेक्ट करनी है, तो दोस्तों आपकी जो रिस्पांस की होगी वो इस तरह की होगी। वहाँ पर आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी क्वेश्चंस है, तो वहाँ पर क्वेश्चन आईडी दी होगी, ये लिखी है क्वेश्चन आईडी, ठीक है, क्वेश्चन आईडी। ये आपको जिस भी क्वेश्चंस में आपको ऑब्जेक्शन करना है, तो उसकी आप क्वेश्चन आईडी ये नोट कर लीजिए। साथ ही ये क्वेश्चन आईडी के ये जो 4 ऑप्शन आईडी, ये भी नोट कर लीजिए, अगर आपको इनमें से भी किसी में प्रॉब्लम आती है। तो क्वेश्चन आईडी, जैसे अगर ये क्वेश्चन आईडी है, तो इसमें आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन आईडी सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद, जब भी आप टाइप ऑफ ऑब्जेक्शंस में जाएंगे, तो उसके सामने आपको सारे ये ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। ऑल ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं, इनकरेक्ट एम्बिजियस क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अगर आपका जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो सारे गलत हैं, इनकरेक्ट
या एम्बिगुअस क्वेश्चंस, या आपका क्वेश्चन ही गलत है, या मल्टीपल करेक्ट आंसर, या आपके जो आंसर दिए 1 2 3 4 उनमें से आपके दो आंसर सही हैं, तब आप लगा सकते हैं मल्टीपल करेक्ट आंसर। उसके बाद दिया है करेक्ट इनकरेक्ट आंसर की, अगर जैसे कि आपने लगाया है 2 और वही सही आंसर है, और इन्होंने जो आंसर दिया होगा वो 3 दिया है, तो इस कंडीशंस में आप लगा सकते हैं इनकरेक्ट आंसर की। ठीक है, ट्रांसलेशन एरर, अगर किसी क्वेश्चन आंसर में ट्रांसलेशन एरर है तो वहां पर आप ट्रांसलेशन एरर। उसके बाद रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चन इन द सेम सेट, अगर यहाँ पर आप लगा सकते हैं, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन 2 बार या दो बार आपका रिपीट हुआ है, तो वहां पर लगा सकते हैं रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चन इन द सेम सेट। उसके बाद लगा सकते हैं इन एनी अदर मिस्टेक, उसके अलावा कोई आपको अगर अलग मिस्टेक दिखती है तो वहां पर लिख सकते हैं इन एनी इन अदर मिस्टेक। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अगर सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ इनकरेक्ट आंसर की, ठीक है, यहाँ पर मैंने इनकरेक्ट आंसर की लगा है, तो देख सकते हैं यहाँ पर एक और जो आंसर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्शन है वो खुल गया है, ओपन हो गया एक। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लिखा हुआ है करेक्ट आंसर की एज पर कैंडिडेट के हिसाब से करेक्ट आंसर की कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि, तो आपके सामने जो आपकी ऑप्शंस की 4 आंसर की दी होंगी, तो उसमें से आप देख लीजिए कौन सी आंसर की सही है, तो उस हिसाब से उसकी आंसर की लगा दीजिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर उसकी आंसर की सही लगा दी है 301, मान लिए ये उसकी आंसर की सही है। ठीक है, और उन्होंने जो आंसर की दी थी वो, जैसे उन्होंने मान लो इसकी आंसर की थी दी थी 302 वाली, ठीक है, वो मैंने इनको बोल दिया वो गलत है, और सही कौन सी है मेरी 301, उस पर मैंने क्लिक कर दिया कि 301 जो आपकी आंसर की है वो सही होगी। क्वेश्चन आईडी जो है, क्वेश्चन आईडी इस क्वेश्चंस की, जो आपका जो आंसर दिया है वो करेक्ट आंसर इनकरेक्ट आंसर है, और जो सही आंसर होगा वो ये होगा। एक्सप्लेनेशन में दोस्तों आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, जो भी आपका अगर आंसर सही है उस हिसाब अकॉर्डिंग आप इसमें एक्सप्लेनेशन कुछ भी दे दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल मैंने इतना डेमो देने के लिए आपको फिर इसमें इनकरेक्ट लिख दिया है, तो इनकरेक्ट लिखने के बाद आपको क्या करना है, आप एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद क्या करना है, सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं, जैसे ही आप सबमिट करते हैं, तो आपके सामने ये विंडो आएगी, यहाँ पर ओके करना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, देख सकते हैं अभी आपके सामने एक विंडो ओपन होगी, तो यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्शंस है वो शो होने लगेगा, कि आपका जो ऑप्शन ऑब्जेक्शन है उसकी क्वेश्चन आईडी दे दी, टाइप ऑफ इंजेक्शन ऑब्जेक्शन दे दिया, इनकरेक्ट आंसर की है किस टाइप्स का है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप ऑब्जेक्शन की मेन विंडो पर आएंगे, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन आईडी ये है, नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन दे, एक्सप्लेनेशन जो भी दिया है, सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा सा मिसकरेंट है, इनकरेक्ट। उसके बाद पेमेंट स्टेटस जो आप देख रहे हैं नॉट पेड, यहाँ पर आपको करना है पेड, इसके बाद ही आपका जो ऑब्जेक्शन है वो काउंट किया जाएगा, अदरवाइज अगर आप पेड नहीं करते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं, तो आपका जो ऑब्जेक्शन काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, इस कंडीशंस के बाद में यहाँ पर क्या करना है, ऑल दिया है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और मेक पेमेंट पर जाना है। तो मेक पेमेंट पर जाएंगे आप जैसे ही, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ कैसे क्या होगा। तो जैसे ही आप मेन मेक पेमेंट पर जाते हैं, तो आपको सामने देखिएगा मेक पेमेंट, कैंडिडेट हैव टू पे 50 रुपीज़ पर ऑब्जेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस प्लस साइन पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप प्लस साइन पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एक पेमेंट का ऑप्शंस आ गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आईडी और आपका अमाउंट दिया होगा, तो यहाँ पर आपको करना है प्रोसेस टू पेमेंट, और एक पॉपअप विंडो दी गई है जो आपको आपको क्या करना है, ओके करना है, ये रिव्यू के लिए है। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर ओपन कर देंगे, तो यहाँ पर नेट बैंकिंग का, SBI का चार्जेस दिया है, अदर बैंक का, कार्ड पेमेंट आपको जहाँ से करनी है, तो मैं यहाँ पर अगर कार्ड पेमेंट शो कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये कार्ड पेमेंट, और उसके बाद कन्फर्म, कंफर्म करने के बाद दोस्तों आप यहां देख सकते हैं डेबिट कार्ड रुपए कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, यहां डेबिट कार्ड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहां पर अपने कार्ड नंबर और यहां डाल के आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहां पर इसके बाद भी कोई भी यहां से आगे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप आसानी से यहां पर इसकी प्रॉब्लम सॉरी पेमेंट इसकी हो जाएगी। तो दोस्तों ये था पूरे इसके ऑब्जेक्शंस का प्रोसेस, अगर आपको लगता है किसी को जिसमें आप श्योर हों और आपने पूरा उसका ऑब्जेक्शन कर लिया है, ठीक है, कि आपको वह क्वेश्चंस गलत दिख रहा है, तो तभी आप इसका ऑब्जेक्शन कीजिए, अदरवाइज किसी क्वेश्चंस का बिना फालतू में ऑब्जेक्शन नहीं कीजिए, अगर नहीं तो आपके 50 रुपये चार्ज तो जाएगा ही,
और आपको कोई बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो कोशिश कीजिए आप जिस क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन कर रहे हो वो आप अच्छे से चेक कर लीजिए वो सही है या गलत। तो दोस्तों ये था पूरा ऑब्जेक्शंस का तरीका स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको वीडियो पसंद आओ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।